शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिक फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। स्नेला की टीम द्वारा जो है आज भी एक पुनः दोबारा एक गुडवर्क किया गया है। ये गुडवर्क जो है खास करके फुट पेट्रोलिंग और जो है इवनिंग के टाइम में चेकिंग के जो SSP सर के निर्देश हैं उसी के क्रम में मिली हुई सफलता का हिस्सा है। आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने भांग से भरा हुआ ट्रक पकड़ा था और अब इन्होंने वाहन चोर को पकड़ा है। दो लोगों को पकड़ा गया है। बेसिकली इन लोग इसमें से एक जो है बाल अपचारी है, नाबालिग है, अतः उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति बालिग है और एक तीसरा अभियुक्त और है जो उस समय फरार हो गया, जिसमें जो वांछित किया गया है। इन लोगों से 4 स्कूटी बरामद की गई है और ये लोग किरावली चौकी क्षेत्र में वहीं पे तहसील और उसके आसपास के दुकानों के आसपास से वाहन चोरी किया करते हैं और फिर इधर उधर उसको बेच दिया करते हैं। देखिए अभी तक इनसे 4 स्कूटी की बरामदगी की गई है, लेकिन हमें आशा है और विवेचना में ये उम्मीद है कि और भी वाहनों की बरामदगी होगी। एक जो फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के बाद और भी बरामदगी हो सकती है और एक अच्छे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। जी हाँ, इनका एक आपराधिक इतिहास भी है और भी इनके बारे में जानकारी की जा रही है और भी घटनाओं के बारे में तलाशा जा रहा है कि इनकी कहां कहां संलिप्तता रही है। नहीं, जहां तक नाबालिग की बात है उसको भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने में पेश किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो खुले छूट जाएंगे ये, लेकिन ये काफी गंभीरता का विषय है और काफी चिंता का मुद्दा है कि नाबालिग बच्चों को प्रयोग किया जा रहा है। नाबालिग बच्चों को प्रयोग करने के पीछे इन ऐसे गिरोहों का मुख्य मकसद ये रहता है कि उनपे जल्दी लोग शक नहीं करते हैं और शक जहां पे नहीं होता है वहां पे घटनाएं इनको करने में आसानी होती है। तो इस तरफ भी लोगों का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आगरा की जनता इस चीज को समझ ले कि नाबालिग और बच्चों के भेष में भी लोग जो है अपराध कारित करते रहते हैं।